गाइस वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मेरा नाम है पाज, आप देख रहे हैं अर्पु की टैग। तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत ही धांसू टॉपिक के बारे में। दोस्तों आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके फोनों पर जो है गंदी एड्स आती हैं, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, चाहे आपका क्रोम ब्राउजर हो, चाहे वो फायरफॉक्स हो, चाहे ओपरा मिनी हो, या आपके फ़ोन का कोई से भी A to Z ब्राउजर हो, तो दोस्तों उसमें जो है हम कोई सी भी जो वेबसाइट डालते हैं, चाहे वो अच्छी वेबसाइट हो या चाहे वो गंदी वेबसाइट हो, तो भाई वो जो वेबसाइट है वो सेव हो जाती है। अब क्या होता है दोस्तों, उसकी जो है नोटिफिकेशन जो है आपके फ़ोन में आती रहती है। अधिकतर मुझसे बहुत सारे लोगों ने ऐसे ऐसे फ़ोन जो है ठीक कराए हैं, मतलब वो मुझे बताते थे कि हमारे फ़ोन पर जो है गंदी नोटिफिकेशन आती है। लेकिन दोस्तों इसका रीज़न ये होता था कि वो जो है अपने फ़ोन में जो है फ़ोन वेबसाइट जो है यूज़ करते थे, मतलब गंदी मूवी वगैरह देखते रहते थे, तो उसकी वजह से जो है वो जो फ़ोन के जो ब्राउज़र होता था वो वेबसाइट जो है सेव कर लेता था। उसके बाद क्या होता था, उसकी जो है गंदी नोटिफिकेशन आती रहती, चाहे आपके घर में कोई भी फ़ोन चला रहा है, किसी भी टाइम कोई भी मतलब गंदी नोटिफिकेशन आ जाती थी। दोस्तों तो गाइस इस वीडियो में आपको जो है क्लियर कर दूंगा कैसे जो आप ये गंदी एड्स से जो है पीछा छुड़ा सकते हो। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जो है यूजफुल हो सकती है। दोस्तों अगर आप वीडियो पूरा देखोगे तो आप समझ जाओगे कैसे जो है हम जो है गंदी एड्स को जो है मतलब ब्लॉक कर सकते हैं। तो पोर्न वेबसाइट जो होती है बहुत ज़्यादा मतलब ये जो है दिमाग को जो है वेस्ट करने वाली वेबसाइटें होती है, अगर मैं बताऊँ तो। दोस्तों जब तक ये वेबसाइट हम देखते हैं तब तक तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आता है, उसके बाद जो है इसकी जो मतलब ब्राउजर जो है मतलब इसको जो अपना अंदर सेव कर लेता है, फिर जो है मतलब घर में कोई भी हमारा फ़ोन जो है यूज करता रहता है, जिसकी वजह से जो है हमारी जो वेबसाइट की जो नोटिफिकेशन है वो नेट ऑन करते ही आ जाती है। और दोस्तों हमें भी घबराहट होती है कि यार कोई ऐसी मतलब जो वेबसाइट जो है देखने लो, बहुत ज़्यादा मतलब बुरा सा लगता है यार, और किसी को फ़ोन देने का मन भी नहीं करता भाई, सही बताऊँ तो। गाइस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, तो चलिए दोस्तों मेरी फोन स्क्रीन पर मैं आपको बता दूँ कैसे जो इस वेबसाइट से जो आप पिक्चर छुड़ा सकते हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे, अगर आप चैनल पर अगर न्यू हैं तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि तुम्हारा भाई जो ऐसी यूजफुल जो ट्रिक है वो लाता रहता है, क्योंकि आप ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो गाइस चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र से, तो क्योंकि दोस्तों अधिकतर जो है हम वहाँ पे जो है सब वेबसाइट जो है सर्च करते हैं जो कि सेव कर लेता है। तो गाइस यहाँ पे मैंने अपना जो है क्रोम ब्राउज़र जो है ओपन कर लिया है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे 3 डॉट आपको देखने को मिल रहा होगा। दोस्तों 3 डॉट पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो गाइस यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, तो सेटिंग पर हम क्लिक करते ही दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ पे नोटिफिकेशन लिख रहा है, नोटिफिकेशन जो है हमें यहाँ पे सारी जो है नोटिफिकेशन वो यहाँ पे हम ऑफ कर देंगे दोस्तों, जिससे कि क्या होगा हमारी कोई भी नोटिफिकेशन जो है नहीं आएगी, ठीक है गाइस। अब इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे हम नीचे जाना है, नीचे यहाँ पे साइट सेटिंग का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइस जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ एक नोटिफिकेशन का और ऑप्शन होगा, जहाँ पर लिख रहा है नोटिफिकेशन अक्स फर्स्ट। दोस्तों इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो ये जो मैं वेबसाइट जो यूज़ करता हूँ, ये मेरी जो 1 2 3 4 5 6 वेबसाइट जो यहाँ पे आ गई हैं, जिसमें गाइस यहाँ की जो इन वेबसाइटों की जो नोटिफिकेशन वो मेरे पास आ जाती है। जो भी आपने जो वेबसाइट जो मतलब ओपन करी है तो दोस्तों यहाँ पर वो जो है सेव हो गई है, चाहे वो आपकी पोर्न वेबसाइट भी हो सकती है, आप जो देख सक वो तो आपको जब ही पता चलेगा जब आप यहाँ पे जाके अपनी वेबसाइट जो है देखोगे, ठीक है दोस्तों। आप बात कर सकते हैं दोस्तों इनकी नोटिफिकेशन में दोस्तों, लेकिन ये जो है मतलब यहाँ पे इस पर क्लिक करते जो है कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगी। अगर आप बात करते हैं इनको आप जो है डिलीट करना चाहते हो तो वह यहाँ पर क्लियर एंड रिसेट कर दो दोस्तों, इससे क्या होगा ये वेबसाइट जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। तो दोस्तों इससे जो है आपका हमेशा के लिए जो है पीछे छूट जाएगा। अगर आपको जो है नोटिफिकेशन नहीं चाहिए तो दोस्तों इसको जो है ऑफ कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस ये जो है हमारा जो क्रोम की जो है तो गाइस क्रोम की जो हमारी प्रोसेसिंग जो है ये पूरी हो गई है दोस्तों। एम एक्स प्लेयर है, यूसी ब्राउज़र है, मतलब बहुत सारी ऐसी एप्स हैं हमारे फ़ोन में जिन पे मतलब हम उल्टी सीधी चीज़ जो है देखते हैं और उसकी जो वेबसाइट जो है वहाँ पे सेव हो जाती है और वहाँ की जो है नोटिफिकेशन भी आती है दोस्तों। अब दोस्तों उसके लिए हमें सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के वजह से हम सेटिंग में ओपन करेंगे तो गाइस हर फ़ोन की जो है ऑप्शन अलग होती हैं। मैं आपको बताया दोस्तों यहाँ पर एक ऐप्स मैनेजमेंट का ऑप्शन होता है, इसमें कि हमारी सारी ऐप्स की जो है ना डाटा जो है वहाँ पर जो है मतलब स्टोर रहता है। तो दोस्तों हमें यहाँ पे जो है ऐप्स मैनेजमेंट को जो है ओपन कर लेना है, ठीक है। जैसे दोस्तों हम यहाँ पे जो ऐप्स मैनेजमेंट को ओपन करेंगे तो हमारे फ़ोन के सारे ऐप्स जो है इसमें आ जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे बात चल
अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि हम जो है मतलब वीडियो या वेबसाइट जो गंदी मतलब ऐसी वेबसाइट जो है कहाँ पे जो है मतलब सर्च करते हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूँ मेरे फ़ोन में इस टाइम यूसी ब्राउज़र नहीं है दोस्तों। तो गाइस जैसे कि मैं यहाँ पे बता दूँ कि कुछ MX प्लेयर की भी एड्स होती हैं गंदी गंदी जो कि आपकी जो है डेस्कटॉप पे आती रहती हैं। तो गाइस सबसे पहले हमें MX प्लेयर में जाना है। MX प्लेयर में जैसे हम क्लिक करेंगे दोस्तों, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे लिख रहा है मैनेज नोटिफिकेशन। तो हमें सिंपली जो है मैनेज नोटिफिकेशन पर दोस्तों क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे क्लिक करने के बाद जैसे यहाँ पे देखो अलाउ नोटिफिकेशन, यहाँ पे जो सारी नोटिफिकेशन जो है वो अलाउ हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इसको जो है ऑफ कर देंगे जिससे कि हमें जो है इसकी जो है एक भी नोटिफिकेशन जो है नहीं मिलेगी MX प्लेयर की। ठीक है गाइस, अब इसको जो है मतलब हमने जैसे ही ऑफ कर दिया, अब बात करते हैं दूसरे जो है मतलब ऐप्स के बारे में। दोस्तों यहाँ पे कोई और ऐप्स तो मैं जो है यूज नहीं करता हूँ, लेकिन दोस्तों जैसे मान के चलो स्नैपट्यूब है, तो स्नैपट्यूब में भी मतलब हम वीडियो वगैरह जो है सर्च कर सकते हैं। चाहे यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे ऐप्स आ जाएंगे, सारी जो फोन के ऐप्स, चाहे वो यूसी हो कोई भी हो दोस्तों, कोई भी मतलब A to Z सारे ऐप्स यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों फिर यहाँ पर वही प्रक्रिया करनी है हमें, यहाँ पर क्लिक करने के बाद अलाउ नोटिफिकेशन के ऑप्शन पर जो है हमको ऑफ कर देना है। दोस्तों इसकी भी जो है मतलब नोटिफिकेशन जो है आनी बंद हो जाएंगी दोस्तों। दोस्तों इसी तरीके से जो है हम सारी जैसे कि दोस्तों यूसी न्यूज है मतलब कोई सी भी हम क्लिक करके विंक भेज दोस्तों यहाँ पे जो है सारी जो है नोटिफिकेशन जो है बंद कर सकते। कैसी लगी आई होप वीडियो अच्छी लगी और आप आसानी से जो है वेबसाइट ब्लॉक करना जो है सीख गए होगे दोस्तों। दोस्तों इसी तरह की आप वीडियो देखने के लिए ऐसी प्यार बनाए रखते हैं, अपने भाई को जो है सपोर्ट करते हैं। तुम्हारा भाई जो है अभी अभी न्यू है यूट्यूब चैनल पे, तो गाइस आप लोगों के प्यार की वजह से मैं आगे जा पाऊंगा दोस्तों, तो आप अपना प्यार जो है बनाए रखें। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।